जी, इसमें जो 15 से आगे हमारे पास लेक्चर है, हमने 15 को डिस्कस किया था, बीसीडी एडर को, और उसके बाद ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हमने डिस्कस करना। अब ये जो है ना, ये डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस हैं जो डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन की बुनियाद पे बनाए गए हैं, और उनकी लॉजिक पीछे वाली वही है, हम पढ़ के आए हैं कम्बिनेशनल लॉजिक, सर्किट्स, गेट्स, ठीक है। अब ये इन सर्किट का तारुफ है इसके अंदर, यानी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन जो है ना वो याद करनी पड़ती है। कंपैरेटर है तो उसके इनपुट कितने हैं, उसके आउटपुट कितने होंगे, 16 बिट ALU है, ये किससे मिलकर बना है, उसमें लुक अहेड बैरी कैरी बफर यूज होता है या नहीं होता, या इसके, यानी इसमें इस किस्म की चीजें जो है ना वो असल में याद करने वाली है, यानी स्टूडेंट को खुद से इसमें काम करना पड़ेगा ये 17 तक। और इसी तरह मल्टीप्लेक्सर, देखो ये डिकोडर आ गया है, डिकोडर की आगे टाइप्स हैं, और उसके बाद एनकोडर सर्किट को डिस्कस किया गया, और उसके बाद मल्टीप्लेक्सर को और डी मल्टीप्लेक्सर को किया गया, ठीक है। यहाँ से एक अलबत्ता टॉपिक शुरू होता है जो समझने वाला है, ये एक नई चीज है, प्रोग्राम लॉजिक डिवाइसेस क्या होते हैं और उनकी कुछ जुबानें होती हैं, और उसके अंदर जो जुबान यहाँ पर पढ़ाई गई है ना वो लैंग्वेज है एबल के नाम से ना, वो आगे जा ये एबल लैंग्वेज है, इसके बारे में इसकी स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, इसमें बूलियन ऑपरेशंस के सिंबल्स कौन से हैं, किस तरह हम बूलियन नोटेशंस यूज करते हैं, और इस तरह की कुछ चीजें यहाँ से आपको याद करनी पड़ेंगी इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद फिर लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं, ये एक नया टॉपिक है जो कि आगे आपके पोस्ट मिड में चला जाएगा, लेकिन इसकी तारीफ, लैचेस क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ तक हमने जितने भी डिवाइसेस पढ़े हैं ना वो सारे प्रोसेसिंग से रिलेटेड थे, कि वो प्रोसेसर कैसे बनते हैं, वो बाइनरी ऑपरेशंस पर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स ये वो पुर्जे हैं, वो छोटे छोटे लॉजिक सर्किट्स हैं, जिस तरह हम एंड और नैंड और गेट पढ़ के आए हैं ना, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से मेमोरी बनेगी आगे जाके, क्योंकि इसके बाद मेमोरी डिवाइसेस की बारी आएगी। तो इसलिए जो कोर पोर्शन है ना तकरीबन चीजों को समझने और समझाने वाला, वो हमने 15 तक 16 तक पढ़ा है, समझा है, कवर किया है, फंक्शन टेबल कैसे बनता है, बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनती है, उसको हमने लॉजिक लॉज की मदद से कैसे करना है। अगर तो पेपर होता ना रूटीन का मिड, तो उसमें जाहिर है सवाल जो आते हैं वो थोड़े से शॉर्ट भी होते हैं, थोड़े लॉन्ग भी होते हैं। अब चूंकि अब देखें ये पेपर मैंने एक डाउनलोड किया, अब इसमें हम एक सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं, इससे हमें आइडिया होगा कि किस किस्म की चीजें जो है ना वो MCQs में वो पूछता है, और किस किस्म की चीजें हमें हेल्प आउट करती हैं। मसलन इसमें ये देखें जी, इफ आउटपुट ए लेस देन बी सेट टू 1, द इनपुट कॉम्बिनेशन इज ए इज इक्वल टू 01, बी इज इक्वल टू 10। अब ये कब था, ये कौन से, ये कौन सा सर्किट था भला, ये सर्किट हमने कंपैरेटर पढ़ा था, और कंपैरेटर के टेबल में से ये सवाल है एक किस्म का, कि कंपैरेटर की वैल्यू ए लेस देन बी की 1 कब होती है, इनमें से हमने वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है, और ये चार ही कॉम्बिनेशन उन्होंने वहां लिखे हुए थे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो 2-bit कंपैरेटर सर्किट है कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म सिंगल 4-bit, क्या हम 2-bit के जरिए 4-bit कंपैरेटर बना सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब था कि हम बना सकते हैं। फिर क्या है कि जी हाई लेवल नॉइज मार्जिन ऑफ CMOS 5-volt सर्किट इज, ये देखें अब ये यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किट्स को जो है ना वो डिस्कस किया गया। अब ये चीजें एक मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट के लर्न करने की चीजें हैं, या वो किसी MCQs फाइल में इन इंफॉर्मेशन को सर्च कर ले, लेकिन मेरी हमेशा से स्टूडेंट को यही एडवाइस रही है कि आप चीजों को थॉरली पढ़ें, खुद ब खुद थारोली पढ़ें, और इस तरह की फाइल्स में उनको प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता हो कि मैंने जो पढ़ा है ना उसमें से पेपर किस तरह जो बनता है, या जो सवाल है ना वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप भूल भी जाते हैं कि आपको नहीं पता, आप इसको 0.5 समझते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं यार ये 0.9 है। तो ये फिलोसफी अब आपने, मतलब मेरे ख्याल में अब आपने ये वाला काम थोड़ा सा खुद करना है, कि आप कंपैरेटर, डिकोडर, MSI डिकोडर और ये इन सारी चीजों को आप रीड करें, और कोशिश करें कि इनको शॉर्ट कर लें किसी तरीके से। मसलन अगर हम क्लिक करते हैं और चले जाते हैं पेज नंबर, जैसे कि हम जाते हैं
ये अरिथमेटिक लॉजिक 147 पे है ना, तो 147 पे हम जाने की कोशिश करते हैं जी। 140 सॉरी 7 पेज पे मैं चला गया। देखें जी अब 147 ये कुछ पेजेस की अरिथमेटिक लॉजिक। अब अरिथमेटिक लॉजिक क्या होता है, 4 बिट के लिए ये वाला डिवाइस 181 है, इसके अंदर हम 4 बिट ALU बनाते हैं जिसके 5 फंक्शन है, ठीक है जी, और इसके अंदर 32 डिफरेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैव अरिथमेटिक एंड कम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन को और लॉजिकल ऑपरेशन को। देर आर डिफरेंट MSI ALU हैं, मसलन जिसकी 2 4 बिट इनपुट हैं और 4 बिट आउटपुट हैं और 3 to 5 फंक्शन जो है ना वो सिलेक्ट इनपुट हैं जिसके जरिए हम फंक्शन सिलेक्ट करते हैं और 32 फंक्शन हमारे पास, यानी इस तरह की प्रॉपर्टीज को आपने मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, इनको रीड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इस तरह का सवाल बहुत कम आता है, बड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है अगर ये टेबल में से पूछ ले कि जी आपके इनपुट की वैल्यू और फंक्शन आपके पास, इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि हम ALU की इम्प्लीमेंटेशन किस से करते हैं। नंबर वन, हम मतलब कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, ये पुराने जो पेपर होते थे ना जो मिड टर्म होते थे उनमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता था ये सवाल कि हाउ 16 बिट ALU इज इम्प्लीमेंटेड। अगर आपने याद किया हुआ है कि हम कैस्केड करते हैं 4 बिट ALUs को आपस में, ठीक है, ये 4 ALUs जो हैं ये कनेक्ट किए जाते हैं लुक अहेड कैरी जनरेटर सर्किट के साथ, ठीक है, किस लिए हम करते हैं, ताकि जो डिले आता है कैरी को फॉरवर्ड करने में, फॉरवर्ड करने में वो जो है ना वो नहीं आएगा। अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लुक अहेड कैरी जनरेटर सर्किट जो है इसका फंक्शन ही ये है कि ये जो कैरी पास ऑन होता है, हाँ, पहले कैरी को देखेगा फिर पास करेगा, मतलब अगर हम ये नहीं यूज करते, अगर हम पैरेलल एडर यूज करते हैं तो उसमें कैरी पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा और हर जो फॉरवर्ड एडर होता है वो वेट करता है पिछले के कैरी का, ठीक है, और ये डिले आता है, उस डिले को खत्म करने के लिए हमने लुक अहेड कैरी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको जेन में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्प्लीमेंटेशन बताइए, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि सच यूनिट्स आर कैस्केड टुगेदर, यानी 16 बिट एंड ALU, इसको बनाने के लिए वो कह रहा है कि आपके पास MSIs भी बने हुए हैं जिनके नाम वो आगे बताएगा। मसलन आप ये 74XX181 जो हमारे पास IC है इसको यूज कर सकते हैं, और ग्रुप कैरी लुक, यानी ये इम्प्लीमेंटेशन आपको थोड़ी याद हो कि लुक अहेड कैरी के साथ उसने बना के दिखाया। ये वही है जो हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख के आए कि ये क्या होता है, इसमें इनपुट आती है और सारी आउटपुट्स यहाँ पे जनरेटेड होती हैं और ये पहले से ही देख लेता है कि यहाँ पर कैरी जनरेट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो वो पहले ही कैरी को फॉरवर्ड कर देता है इन तमाम को, यानी हालांकि ये सारे अलहदा अलहदा एडर हैं, इनको नहीं, इसको नहीं वेट करना पड़ता कि इसका कैरी इसके पास आएगा, कैरी लुक अहेड जो है वो इस डिले को खत्म कर देता है। और ये डायग्राम पहले भी हमारे पास आ, यानी इसकी मदद से हम ALU को इम्प्लीमेंट करते हैं और ये आपके पास ALU की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपने ALU को देखा, ठीक है, फिर ये 16 बिट ALU का एक डिजाइन आ गया, 16 बिट ALU विदाउट कैरी बफर है, ये विदाउट कैरी बफर है, ये कैरी प्रोपेगेशन के साथ है, इसमें 4 ALU आप लगा देते हैं जो 2 बिट्स की इनपुट लेते हैं और 1 बिट आउटपुट देते हैं और एक कैरी जो है वो फॉरवर्ड। अगर आपको याद हो तो ये पैरेलल एडर का सर्किट है जो हमने वहां पर बनाया, ठीक है, उसी तरह का है, बस अब हमने इसका नाम ALU लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी तरह ये उसने कहा जी कि आप लुक अहेड में भी इसको डाल सकते हैं, दूसरी अगर आप चाहते हैं कि ये एलिमिनेट कर दिया जाए तो फिर आप ऐसे करो कि इन चारों के कैरी को लुक अहेड कैरी जनरेटर में लगे, यानी कितनी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन हो गई इसकी, 2 किस्म की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, एक है कि आप 4 को कैस्केड कर दें और कोई लुक अहेड ना लगाएं, और एक ये इस तरह आपने, यानी ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इसी तरह आपने जो बाकी सर्किट्स हैं जो कंपैरेटर है आगे आ रहे हैं, कोडर डिकोडर, ये इनकी इक्वेशंस हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये इस तरह पेपर में आ सकती हैं, या इनको ये वो कंपैरेटर वाले कॉम्बिनेशन आपके पास आ गए जो हमने ऊपर पढ़े,
ठीक है ना, वो यहाँ पर भी ये शो कर रहा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे कंपैरेटिव सर्किट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ये सारी इनकी ना छोटी छोटी आपके पास जो है ना, मेरे कहने का मकसद है प्रॉपर्टीज हैं जो अब आपको याद करनी है, चाहे इस किस्म की फाइल्स में पढ़ लें, चाहे आप इनको गूगल करके अलहदा से भी पढ़ सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे लिखें कंपैरेटर, कंपैरेटर सर्किट, ठीक है, और उसके बारे में कोई अच्छा आपको हेल्दी आर्टिकल मिल जाता है, जैसे ये मिल रहा है, तो आपको यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर चूंकि बहुत ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि ये बुक है ना, एक किस्म बुक में और रीडिंग मटेरियल में सारी तफसील दी होती है, आपने उसमें से रेलेवेंट चीजों को इसी तरह हाईलाइट करके जो है वो आपने लर्न करना होता है, ये आपकी अप्रोच होती है एज अ स्टूडेंट, आप उनको कैसे करते हैं। ये आ गया जी एम आई एस का, इसकी आपको प्रॉपर्टीज, अब देखो एम एस आई 4 बिट में कौन सी चिप यूज हो रही है जी, 74HC85, इसका आपको पता होना चाहिए, ये इसके ऊपर बेस करती है, ठीक है। इसमें मल्टीपल हम ये यूज करते हैं टू कैस्केड टूगेदर टू फॉर्म द कंपेरेटर, कितना N/4 बिट, यानी आप दो वैल्यूज का बनाना चाहते हैं, चार का बनाना चाहते हैं, पांच का बनाना चाहते हैं, उतने आपने मल्टीपल इसके अंदर लगा देने हैं। ये फिर वो बता रहा है 1 कैसे करता है 2, यानी ये आपके पास उसकी डायग्राम उसने बना के दिखाई है, ये देखें ये आपने 3 बिट बनाया हुआ है कि आपने एक ये लगा दिया, फिर ये लगा दिया, और ये पुर्जा आपके पास वो 74XP85 85 और 85, 3 आपने 3 × 4 बिट है, ये 3 × 4 बिट, समझ आई बात की, सही है। इसी तरह फिर ये आगे डिकोडर्स हैं और इसके सर्किट्स हैं, ठीक है। बेसिक डिकोडर क्या होता है, डिकोडर का काम होता है जो वैल्यूज को मल्टीपल इनपुट्स को लेता है, मल्टीपल आउटपुट देता है, और ये कन्वर्ट कर देता है किसी खास तरीका कार की बुनियाद के ऊपर। इसी तरह एनकोडर होता है जो एनकोड कर देता है, इनका सर्किट आपस में बिल्कुल मिलता जुलता होगा, देखें इनकी एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, इंस्ट्रक्शन डिकोडर आपके कंप्यूटर में 1010 जाती है और इसको उसने डिकोड करके ऐड में और सब्ट्रैक्ट में, यानी ये सब्ट्रैक्शन की है, ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है उसमें इसने चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी चीजें असेंबली लैंग्वेज में भी आपने देखी होंगी कि हम जब एक ऐड लिखते हैं तो ऐड को वो डिकोड करता है और उसका एक बाइनरी नंबर जो है वो जनरेट करता है। पढ़ी नहीं मैंने असेंबली, पर मैं बता रहा हूँ कि ये उस तरह का एनकोडर और डिकोडर का मतलब ये होता है, एनकोड होता है कोड में चेंज करना, डिकोड होता है कोड से वापस चेंज, ये उसका फंक्शन टेबल और ये उसका सर्किट है। अगर हम मेगा फाइल में जाएं तो सर्किट से रिलेटेड देखो, इस यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस किस्म के सवाल आ रहे हैं। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ये है जी दी आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन एफ ए प्लस बी विल बी लॉजिक व्हेन, क्या कह रहे हैं कि इन तीनों की वैल्यू अगर ये हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 0, 1 और 1, तो ये प्लस आर होता है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह अब आप देखें ये भी उसी में से है, हाई एस आर लैच में से है, ये 22 नंबर लेक्चर में से है, ठीक है जी, ये सीमॉस वाले में से आ गया, और ये इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर पूछ रहा है जी, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या है, तो डायरेक्ट मेथड से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, 0 0 पहले में 1 होता है, दूसरे में 2, तीसरे में 4, 2 और 4 6 हो गए, ये 8 है और ये 16 है, 6 और 16 22 हो गए, 22 के साथ ये 16 32 और 64 है, 22 जमा 64 जो है ये आपके पास 86 हो गया, ठीक है, यानी जो बिट्स ऑन होती हैं उनकी पोजीशन को आपने जमा कर लेना है, पहले की पोजीशन 1 है, 2 है, 4 8 16 32 और 64 है, और जो जो बिट्स ऑन है उनकी पोजीशन वैल्यू को आपने जमा कर लेना है, ये मैंने एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया था। सही है, तो है जी, ठीक है ना। तो इसी तरह ये देखें, ये सर्किट बना हुआ है और उसके बाद पूछा जा रहा है ये किस फॉर्म का सर्किट है, ये बुलियन फॉर्म का है, आर्बिट्रेरी का है, POS का है या SOP का है, और हमने ये पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ सम का सर्किट, तो आप आखिरी सर्किट इसमें देखें ये आर गेट लगा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ सम का सर्किट है। इस तरह क्वाड मल्टीप्लेक्सर ये देखें जी, क्वाड मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट्स कितनी होती हैं, अब मुझे ये सवाल का नहीं पता, मैं मुझे नहीं याद कि ये क्या है, अब मैं अगर
इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि इसके नाम में क्वाड आ रहा है, क्वाड का मतलब चार होता है, चार होता है, ठीक है। इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर हैज, देखेंगे ये उसकी प्रॉपर्टीज में से सवाल है कि सिंगल इनपुट आती है मल्टीपल आउटपुट होती है। मल्टीप्लेक्सर होता ही ऐसा सर्किट है जो मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में चेंज करता है, और जो जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल में, और डी मल्टीप्लेक्सर जो है ना वो उल्ट कर रहा होता है, सिंगल इनपुट आती है और उसको मल्टीपल आउटपुट के अंदर जो है वो चेंज करता है। द एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमोटेटिव लॉज, देखें ये कौन सी एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी इस तरह आपको जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए। और ये चीजें मैं ये मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक ये खुद से आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। समझने वाली पढ़ने वाली चीजें हैं ये, इसमें कोई समझाने वाली नहीं है। समझाने वाली आप इसको एक दिन में कर लें, दो दिन में कर लें, ठीक है। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस से, लेक्चर नंबर 19 से, ठीक है ना। ये किस चीजें समझने वाली हैं कि ये कौन से डिवाइसेस होते हैं, इनकी लॉजिक क्या है। इससे ऊपर तो सारा वही है कि मल्टीप्लेक्सर का टेबल क्या है, इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, डिकोडर का टेबल क्या है, इनपुट्स कितनी है, आउटपुट्स कितनी है, ठीक है ना जी। ये आप अपने तौर पे कर सकते हैं और इस फाइल की मदद से भी आप इसको जहन में बिठा सकते हैं, ठीक है जी। समझ आई बात की, ठीक है। तो कल तो मेरा उसका है ना 301 का, वो मैं दे दूंगा जी जी, ठीक।